हरियाणा सरकार ने पंचकुला नगर निगम का पुनर्गठन किया है, जिसे लेकर पंचकुला के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी को लेकर पंचकुला के प्रमुख नेताओं के साथ दैनिक अर्थ प्रकाश के सलाहकार संपादक नरेश कौशल जी की सीधी बातचीत। मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, दैनिक अर्थ प्रकाश ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचकुला एक तरह से हरियाणा की राजनीति का सिंह द्वार है, जहां से चंडीगढ़ प्रवेश होने के बाद विधानसभा आती है। तो नगर निगम के बारे में अभी हाल ही में कैबिनेट ने, हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया है, नगर निगम को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो पहले 2010 में कालका और पंजौर को बीच में शामिल किया गया था नगर निगम में, अब उनको अलग से करके उसमें उसको परिषद बना दिया गया है और उनके साथ कुछ पंचायतें वगैरह जोड़ी गई हैं। तो इसी तरह पंचकुला के साथ बरवाला का कुछ हिस्सा जोड़ने की भी योजनाएं हैं। तो इन बातों को लेकर नगर निगम का जो इतिहास है वो करीब 2000 से या 2001 से शुरू होता है। चुनाव 2003 में हुए थे नगर निगम के, जिसमें के ये कांग्रेस के जो है तीन लोग पहली बार, जो आलोवालिया, उपेंद्र कौर आलोवालिया और उसके साथ नंदा जी और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक से सदस्य से जो डिप्टी मेयर बनाए गए थे। तो उसके बाद इसका इतिहास चलता रहा, लेकिन विवादों में भी ये कई तरह की बातों को लेकर, भौगोलिक दृष्टि से और दूसरी बातों को लेकर विवादों में भी निगम रहा है। अब निगम नए एक स्वरूप में आया है, इसको लेकर हम बड़े ही विशेष मेहमानों के साथ आज हाजिर हैं। हमारे साथ हैं रविंदर रावल, जो कांग्रेस से एक पंचकुला के बहुत ही सक्रिय और वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले एक बार हरियाणा कुलदीप जी बिश्नोई जी की पार्टी में भी एक बार रह चुके हैं और एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और मेयर रहे हैं 2008 में निगम के। इसके साथ ही बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं बल्कि उद्योग, जो हरियाणा चैम्बर उद्योग का जो संघ है उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं। अब भी वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जब से इस निगम का गठन हुआ है तब से ही वो निरंतर पार्षद के रूप में, वो या एक बार उनकी धर्मपत्नी पार्षद रही हैं, आजकल भी वो पार्षद हैं। मेरी मुराद है मिस्टर गोयल जी से। उसके साथ ही मिस्टर ओपी सिहाग हमारे साथ शामिल होने को हैं शीघ्र ही। उनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो है एरनाबाद से हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां से वो इलेक्शन लड़े थे अभय चौटाला के खिलाफ, इंडियन नेशनल लोकदल के जो आजकल करता धरता है। तो हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिस्टर रविंदर रावल जी से। रावल जी, हम सबसे पहले एक मुद्दे पर बात करेंगे कि जो ये गठन हुआ है निगम का, इसके लिए हम बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आप इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, या क्या इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? रावल जी, मैं धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल के माध्यम से जनता से रूबरू होने के लिए बुलाया, आपका धन्यवाद। मैं अर्थ प्रकाश जो आपके चैनल, उसको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे चल के ये जनता की सेवा करे। जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि नगर निगम जो अब दोबारा पुनर्गठन हुआ है, मैं हरियाणा मंत्रिमंडल के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पंचकुला शहर के लिए, पंचकुला क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा कदम है और इससे पंचकुला के विकास का और आयाम बनेंगे। जो पिंजौर कालका, ये न केवल पंचकुला के लिए अच्छा है, पिंजौर कालका का क्षेत्र है जो पंचकुला में शामिल किया गया था 2010 में, उनके लिए अलग नगर परिषद बना दी गई है। ये वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि स्थानीय शासन का मतलब होता है लोगों का स्थानीय शासन। अब पिंजौर कालका के लोगों को लगभग 20-25 किलोमीटर आना पड़ता था, इस फैसले के बाद वो अपना फैसला वहीं अपने डेवलपमेंट के पिंजौर कालका में करा पाएंगे, पंचकुला वाले पंचकुला में करा पाएंगे। धन्यवाद राहुल जी। अब मैं बात चाहूँगा कि मिस्टर सीबी गोयल, जिनके बारे में मैंने बताया है कि बहुत ही अनुभवी, खास करके उद्योगों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन आज हमारा क्योंकि टॉपिक सीमित है तो मैं जानना चाहूँगा निगम के बारे में उनके क्या विचार हैं। देखिए, 2010 के अंदर जब पंचकुला को नगर निगम बनाया गया, ये उस टाइम भी फैसला लोगों की राय में गलत था और हमारी राय में भी ये गलत था, क्योंकि बहुत सारा एरिया जो पिंजौर कालका और वहाँ से 20-20 किलोमीटर तक के गाँव को उसमें शामिल करके और निगम बनाया गया, तो ये ना भौगोलिक तरीके से ठीक था
और ना ही ये किसी भी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए भी ये उचित नहीं था, लेकिन बना दिया गया। तो बनाने के बाद 2013 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद सारी प्रोसेस चली, तो 2013 से लेकर के 18 तक हमारे नियमित लोग जो थे, पार्षद थे, उन्होंने काम किया है, शहर की डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन 2018 में जब इस सारे मामले को कोर्ट के माध्यम से लिया गया और कोर्ट में, हाई कोर्ट में फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि विद इन 6 महीने के अंदर इसका निपटारा किया जाए और जो आप उचित समझते हैं वो फैसला लेकर के इसका फैसला करो। तो हरियाणा कैबिनेट ने अभी हाल कुछ दिन पहले ही अपना निर्णय लिया है और नगर निगम पंचकुला जो पहले था एरिया इसके अंदर वो यथावत रहेगा और इसका नाम भी नगर निगम ही रहेगा। और पिंजौर, कालका और आसपास का जो एरिया पहले निगम में आ गया था उन सबको मिला करके वहाँ की एक काउंसिल बन जाएगी। तो पंचकुला के लिए और पिंजौर के लिए और पिंजौर के साथ लगते गाँव के लिए ये बहुत ही उचित फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का और उसकी पूरी कैबिनेट का, निलंबित जी जो हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद गोयल साहब। अब हम बात करेंगे मिस्टर ओपी शहाग से। ओपी शहाग, जैसे मैंने बताया, जेजे पार्टी के जो हैं ये नेता हैं, अब हम जानना चाहेंगे उनके विचार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और दो दिन पहले जो हरियाणा मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें नगर निगम पंचकुला से कालका पिंजौर को अलग करने का फैसला लिया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और जननायक जनता पार्टी भी उसका स्वागत करती है। ये बहुत अच्छा फैसला है और इससे कालका पिंजौर के लोगों को जहाँ फायदा होगा, वहाँ अलग से विकास होगा, उसी तरह इंडिपेंडेंट होने से जो नगर निगम पंचकुला रहेगा, साथ में जो कुछ गांव हो सकता जोड़ने पड़े हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। मैं थोड़ा आपकी जानकारी बता दूं कि जो एरिया था 119.4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था और इसमें खाली प्लॉट्स, खेत, काफ़ी एरिया इस तरह का था और जो कनेक्टिविटी थी कालका पिंजौर और पंचकुला के बीच में वो भी ठीक नहीं थी और जो निर्णय उस वक्त लिया गया था कॉरपोरेशन बनाने का, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी ठीक नहीं था। उस वक्त जैसा कि आपको पता होगा, मैं यहाँ नगर निगम में कार्यकारी रहा हूँ, उस वक्त बाई चांस मेरी पोस्टिंग नहीं थी, अगर होती तो ये दिखते नहीं आती, हम तरीके से सुझाव देते। तो अच्छा फैसला है और हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। रविंदर रावल जी, आपने, आपका बड़ा अनुभव है पंचकुला में, आप बहुत पुराने रहते हैं और आप ही नहीं बल्कि आपके भाई भी पंचकुला जो नगर निगम है उसमें सक्रिय रह चुके हैं, इलेक्टेड रह चुके हैं, तो आपका पंचकुला की समस्याओं के बारे में, उनके क्या क्या इश्यूज हैं, में क्या प्राथमिकताएं आप लेना चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव भी दस्तक देने को है निगम का, उसका पॉइंट हम बाद में लेंगे चुनाव के बारे में। आपकी क्या प्राथमिकता है पंचकुला के बारे में और क्या आपको लगता है कि ये पार्टी जो पावर में है वो क्या नहीं कर सकी? दो मिनट में आपके। सबसे पहले मेरे बड़े भाई गोयल साहब को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये फैसला हाई कोर्ट ने ही लिया है कि 6 महीने फैसला, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की बात करके, हाई कोर्ट ने फैसला लिया उसके बाद ये फैसला हुआ है। मैंने जैसे पहले क्या, मैंने स्वागत किया इस चीज़ का कि हरियाणा मंत्रिमंडल फैसला अच्छा है। जहाँ तक विकास की बात है, जब से पंचकुला नगर परिषद और बाद में नगर निगम बना, हर पार्षद जो भी टीम आई उस सब ने अपने से बढ़ कर काम करने की कोशिश की है। जो पिछली टीम 2013-18 उन्होंने भी अपने टेन्योर में काम करने की कोशिश की, विकास की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पंचकुला का जो विकास चंडीगढ़ और मोहाली की तर्ज पे होना चाहिए था, ये हमारा नगर निगम उसमें पिछड़ा है। राजनीतिक समस्याएं भी रही हमारी, सिर्फ फुटओवर भी रही, आपसी खींचतान भी रही सत्ताधारी दल और विपक्ष, हमारी मेयर और जो स्विंग लोगों के बीच में, तो विकास के मामले पिछड़ा है। प्राथमिकता जो होनी चाहिए, सबसे पहले 3-4 बड़े इश्यूज़ हैं पंचकुला के, कि हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है पंचकुला की चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी, गोयल साहब से सहमत होंगे, बेशक ये केवल नगर निगम का काम नहीं है, सरकार का काम भी, पंचकुला से कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं है।
जब तक किसी शहर की किसी साथ लगते शहर से कनेक्टिविटी ना, मोहाली जाने के लिए देखो आप, आपको 20 रास्ते मिल जाएंगे, पंचकूला जाने के लिए एक रास्ता मिलता है। कोई भी उद्योग या कोई बाहर से आना चाहेगा सोचता है कि पंचकूला दूर जाना ही मुश्किल हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी एक बड़ी इशू है हमारी शहर की डेवलपमेंट के। काफ़ी कोशिश नगर निगम ने की, लेकिन सड़कों की हालात, आवारा पशुओं की हालात, हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, पिछले लगातार 10 साल से एक इशू चल रहा है, सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाने की बात है। कभी पार्षद दौरे करते हैं, कभी हमारे विधायक दौरे करके आते हैं, कभी हैदराबाद, कभी यहाँ, लेकिन आज तक उस समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सका। वो शहर के बीचों बीच आप घग्गर पार के सेक्टर में जाओ तो एक बड़ा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, उससे बड़े लोगों उन लोगों को परेशानी है। ये 5-4 मुद्दे हैं, कनेक्टिविटी होगी, सड़कों का हो गया, लोगों की वेस्ट प्लांट का हो गया, इसके अलावा और डेवलपमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं जो आप विस्तार से पूछोगे बताऊँ। मुख्य इश्यूज़ हमारे ये हैं जो तुरंत सॉल्व होने चाहिए। धन्यवाद गोयल साहब। अब हम चाहेंगे कि आपका, क्योंकि आपकी पार्टी जो है सत्ता में है और आपके हाथ में काफी कुछ है निगम के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, तो आपकी क्या प्राथमिकता है आपके मन में आगे आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, निसंदेह केंद्र में और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार काम कर रही है अपनी, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय सरकार थी, जो पंचकूला की मेयर थी, वो हमारी पार्टी के खिलाफ ही काम करती रही और लोगों को जो है सुविधा, राजनीति के अलावा उन्होंने सुविधा देने का कोई प्रयास नहीं हुआ। जो रविंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छी इश्यूज है ये, कि ना ही तो हमारे को आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि इतना बड़ा इशू बन चुका है एंड इंटरनेशनल तरीके से इसको सॉल्व करने के तरीके हमारे पास हैं, वो इन्होंने अपनाए नहीं। उस सॉलिड वेस्ट को अभी तक कोई हमें जगह नहीं निश्चित हो पाई है, ऐसे ही जो एक डंपिंग ग्राउंड बना करके उसके ऊपर हम पहाड़ बनाते जा रहे हैं। ऐसा निर्णय जो है बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। जब भी कोई निर्णय करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो ये हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी जो शहर की है वो इस टाइम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसका उपचार करना, उसके लिए सुविधा क्रिएट करना। दूसरा, सड़कें हैं और कनेक्टिविटी का सवाल बहुत अच्छा है कि कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए हमारी और हमारे रास्ते खुलने चाहिए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो निगम की सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, उसके अंदर हमारी जनप्रतिनिधि की भागीदारी ना होने की वजह से पिछले 2-2.5 साल के अंदर वो चरमरा गई है। आज हाउस टैक्स का मसला है, प्रॉपर बिल नहीं मिल पा रहे हैं। आज कोई लाइसेंसिंग बनानी है, कोई सर्टिफिकेशन करानी है, कोई और काम किसी भी नागरिक की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पर चक्कर काटता रहता है, अधिकारियों के आगे पीछे फिरता रहता है, तो वहाँ पर उसकी वर्किंग जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से हम चाहेंगे कि निगम का काम सुचारू रूप से चले, लोगों को घर बैठे सुविधा मिले। जैसे हमारा SDM कार्यालय आज सुविधाएँ दे रहा है ई दिशा के अंदर, ऐसी सुविधाएं हमारे को निगम से भी मिलनी चाहिए। प्रॉपर बिल्डिंग हो, प्रॉपर सबके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो, इसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी। सड़कों का निर्माण हो, और उसके अलावा जो शहर के लिए आज पावर जो है, पावर के अंदर भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर सप्लाई जो है उड्डा देख रहा है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारी पानी की निकासी है, जिसको हम अपना रोड गलीज की जो समस्या है, बारिश का पानी जल भराव आज हमारे हर सेक्टर के अंदर बना हुआ है, कोई उसके ऊपर उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हम ये जो सुविधाएं हैं ये आगे लेके चलेंगे। पार्कों की डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, पार्क हमारे लंग्स हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हुए हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर OP शाह, आपका पंचकूला में, पंचकूला से जुड़ाव रहा है, शायद में आप कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं नगर निगम में, तो आपका पंचकूला को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं या आपकी पार्टी JDB की क्या प्राथमिकता रहेगी? नई योजना कौशल साहब, नो डाउट हर शहर ग्रोइंग सिटी होता है, पंचकूला हरियाणा के बहुत एक इम्पोर्टेंट सिटी है और डीम्ड राजधानी है। आपको पता है कि बहुत सारे ऑफिस यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत हज़ारों लोग यहाँ वैसे भी आते हैं, और डोर्स यहाँ से दरवाज़ा स्टार्ट होता है हिमाचल का, जो एक टूरिस्ट स्टेट है, और इस वजह से भी लोगों को खूब आना जाना होता है। तो ये शहर बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, और इस शहर में हमारी प्राथमिकताएं जो आपने पूछी हैं, सबसे पहले तो
मेरा पर्सनली भी ये राय है और पार्टी की भी है कि ये जो जगह है पंचकूला, आगे कालका में जो जो अलग नगर परिषद बनेगी, पंचकूला का एरिया है, ये एक टूरिस्ट हब के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए था और वो होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ जो दिक्कतें रही हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हैं, चलो अब वो प्लांट लगना है, पीछे चर्चा चली थी काफ़ी और झूरीवाला में जगह भी देखी गई थी, तो ये प्लांट आगे लगेगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, पुराना बहुत 2002-03 से चल रहा है सारा ये बनाने का इसका। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा टूरिस्ट हब, तो यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आएँ और लोग आते बहुत हैं, तो यहाँ पर एक तो सड़कें जो हैं हमारी वो अलग से क्वालिटी उसकी हों, रोड बम्स हैं, सड़कें हैं, और इसके अलावा विभिन्न जो रोड गलीज हैं और यहाँ जो समस्या पशुओं की हैं, आवारा पशुओं की, और इस टाइप की चीज़ें दूर हों और अच्छी चीज़ें जैसा मैंने कहा बने, और यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी यहाँ पर अगर बने तो बड़ा अच्छा रहेगा, म्यूजियम बने ताकि लोगों को यहाँ देखने मौका मिले। आईटी पार्क जो है यहाँ का है वो ढंग से विकसित नहीं हो पाया है, वो ठीक हों, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने, यूनिवर्सिटीज बने, और इंडस्ट्रियल एरिया का ज़्यादा इतना डेवलप नहीं हो पाया है और कुछ एरिया और बनना है साथ में शामिल होना बरवाला साइड का, तो वो भी ज़रूरी है ताकि यहाँ रोज़गार मिले और अच्छी सारी आबो हवा हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, तो ये शहर हमारा आगे बढ़े, ग्रोथ करे। हाँ, तो आपने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया है, अब मैं एक बार फिर तीसरे दौर में एंटर करना चाहूँगा राहुल जी के साथ। तो राहुल जी, जो ही कैबिनेट का फैसला हुआ है तो सारी पार्टियां जो हैं वो अपने आस्तीनें चढ़ाने ऐसा लग रहा है लगी हैं, और कई अखबारों में भी जिक्र आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है कि नगर निगम का जो चुनाव है वो दस्तक दे रहा है, बड़े जो पंचकूला के लोग थे जो राजनीतिज्ञ थे उनके अंदर वैसे भी बड़ी कुलबुलाहट थी कि हम अब पार्टी के लिए या अपनी अपनी पार्टी के लिए या इस शहर के लिए कुछ कर सकें, तो चुनाव के लिए, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आपकी पार्टी की ओर से कैसे प्रतिनिधि हो और क्या संभावनाएं आप देखते हैं पार्टी के अंदर, आपके निगम के अंदर, आपके चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे अभी गोयल साहब ने कहा, पिछले 2 साल से नगर निगम चुने हुए प्रतिनिधियों के बिना सफर कर रहा है, अधिकारियों की मनमर्जी से बड़े घोटाले भी उजागर हुए, मनमर्जी के काम किए। सबसे बड़ी मैं चीज़ कहूँगा, मैं ऐड करना चाहूँगा, चुनाव से पहले हमारे वहाँ नगर निगम की बिल्डिंग नहीं है, आज भी हम किराए की जैसी चीज़ों में चल रहे हैं, और पीछे एक उद्घाटन भी हुआ देवीनगर गांव में, एक भूमि पूजन किया गया। मेरा सबसे पहले सवाल है कि नगर निगम का जहां भी कार्यालय होना है वो शहर के बीचों बीच होना चाहिए। आज जो जगह सेलेक्ट करके इन्होंने वहां लेके गए हैं, बना रहे हैं, अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, मैं उसको शहर के बीचों बीच लाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ आम सुविधा, जो गोयल साहब ने कही, आम जन तक पहुँचो उसकी। पुराने शहरों में देख लो आप लंदन जाओ, टाउन हॉल बोलते हैं, टाउन हॉल मीन्स शहर के बीचों बीच जगह होनी चाहिए। जब नगर निगम का ऑफिस ही नहीं बना पाए हम 10 साल में, तो हमारा डेवलपमेंट क्या होगी? जहाँ तक चुनाव की बात है, देखो ये तो पार्टी हाईकमान हमारी फैसला करेगी, लेकिन हमें मौका, मुझे 2008 में मिला था पार्टी की तरफ से, मैं नियुक्त हुआ था, जनता ने चुन के भेजा था, हमने कोशिश की डेवलपमेंट को, सब मेरे साथ ही थे उस समय नगर परिषद में। अब अगर हमें मौका, हमारी पार्टी ने चुनाव में एक बार, हम 2008 में सिंबल पे लड़े हैं, ज़्यादातर हमारी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी, कोशिश करेंगे हम पार्टी को परसुएड करेंगे, मनाएंगे चुनाव, चिन्ह पे चुनाव लड़ना चाहिए। अगर पार्टी ठीक, हम अच्छे कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से या आपके वेब पोर्टल के माध्यम से पंचकूला की जनता को भरोसा देना चाहूँगा कि हमारी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतेगी, अपना मेयर बनाएगी, और जो विकास के कार्य पीछे रह गए हैं हम उनको प्रायोरिटी भी लेके चलेंगे। जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा, हमारे दिमाग में प्लान है, नक्शा है कि हमने कैसे करना है। अगर हमें मौका मिला, जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया, जो मुझे पूर्ण आशा है कि पंचकूला त्रस्त है आज पिछली सरकार, इस मौजूदा सरकार से भी, पिछले प्रशासन से भी, वो बदलाव चाहती है, और पंचकूला एक बदलाव दे के हरियाणा में एक मैसेज देगा कि हरियाणा की जो राजनीति में आज मौजूदा पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आने को तैयार है, अगली सरकार न केवल पंचकूला बनाएगी बल्कि प्रदेश में भी हमारी सरकार। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायतों के या निगम के चुनाव जो होते हैं, इसकी ये चर्चा होती रहती है कि क्या पार्टी सिंबल पर इलेक्शन हो या ना हो, तो इसको लेकर हम चलते हैं गोयल साहब के पास। गोयल साहब, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या पार्टी की क्या प्लानिंग रहेगी आने वाले अगर चुनाव होता है नगर निगम का? धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायतों के या निगम के चुनाव जो होते हैं, इसकी ये चर्चा होती रहती है कि क्या पार्टी सिंबल पर इलेक्शन हो या ना हो,
तो इसको लेकर हम चलते हैं गोयल साहब के पास। गोयल साहब, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या पार्टी की क्या प्लानिंग रहेगी आने वाले अगर चुनाव होता है नगर निगम? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट का एक निर्णय जो पिछले साल लिया था उन्होंने कि हमारे निगम के जो मेयर हैं वो सीधे तौर पर जनता द्वारा चुने जाएंगे, तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि जनता द्वारा चुना हुआ मेयर ही पंचकुला में स्थापित होगा और जनता के निर्देश अनुसार और उनकी आवश्यकता अनुसार वो काम करेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम पहले भी सिंबल के ऊपर लड़े हैं, पार्टी लेवल के ऊपर डिसीजन होता है, कैंडिडेट डिसाइड होते हैं और पूरी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, कैंडिडेट के साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है, पूरा सिस्टम हमारा जो पार्टी का है वो कैंडिडेट के साथ है। और इस बार भी हमारी पार्टी तो सिंबल पर ही लड़ेगी, हमारा मेयर का चुनाव भी लड़ेंगे, हम पिछले 5 मेयर के चुनाव हुए थे, उन 5 में भारतीय जनता पार्टी के मेयर निर्वाचित हुए हैं और पंचकुला भी कोई निसंदेह हमारे पास मेंबर पार्लियामेंट हमारा पंचकुला से जीत के गए हैं, हमारे MLA पंचकुला से जीत के गए हैं, तो मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा ऐसा हमें विश्वास है और बहुमत से हमारी यहाँ पर काफ़ी लोकल बॉडीज रहेगी और जनता के रूप अनुरूप जो भी यहाँ की डेवलपमेंट है पंचकुला को पूरे देश के अंदर हम नंबर 1 एक शहर बनाने की आज प्रयास करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम उस तरफ अग्रसर है, पंचकुला एक बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर शहर डेवलप हो रहा है, तो ये शहर और भी बेहतर बने, अच्छा बने, यहाँ पर रोजगार के साधन मिले, व्यापार बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इन सब के लिए हम काम करेंगे और हरियाणा सरकार के साथ मिल करके हम मैं अब चलूँगा OP सिहाग जी के पास। OP सिहाग जी, आप तो जानते हैं दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आपकी सरकार और BJP के साथ में मिलकर आप दोनों की सरकार है, तो आपके लिए नया अनुभव होगा, क्या आपका कैंडिडेट होगा या BJP का होगा इसका फैसला तो आप दोनों की पार्टी की हाईकमान ही करेंगे, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चुनाव जो है चुनाव चिन्ह पार्टी के चुनाव चिन्ह पे होने चाहिए चुनाव निगम के, या आपकी चुनाव के बारे में और क्या कहना है हम आपसे जानना चाहेंगे। सिहाग साहब, देखिए अभी तो काफी दिन पड़े आगे चुनाव होने में, अभी तो एक कैबिनेट फैसला हुआ है, अभी फील्ड में काम होना है, डी नोटिफाई होना एरिया जो कालका बिजोर का है, उसके बाद में नोटिफाई होगा अलग दोनों एरिया कौन सा कौन सा एरिया शामिल किया जाना है, फिर ये अलग अलग वार्ड बंदी होनी है, वार्डों का एरिया होना है, फिर उसका भी टाइम लगता है, उसमें लोगों को क्लेमेशन होते हैं, उसके बाद में वोटर लिस्ट का होता है, तो ये कुल मिला के काफ़ी प्रोसेस हैं और इसमें मैं समझता हूँ अगर ठीक ईमानदारी से और अच्छे ढंग से सरकार भी काम करे और ऑफिसर्स भी लगे जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन, कम से कम फरवरी के उस तक ये जाएगा, लगेगा इतना टाइम और अभी काफ़ी टाइम है। जहाँ तक बात कही आपने चुनाव में लड़ने की, नो डाउट जननायक जनता पार्टी का और BJP का समझौता है ऊपर, लेकिन अभी क्योंकि ये स्थानीय चुनाव हैं इस बारे में ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता है, तो नेतृत्व तो डिसाइड करेगा क्या करना है, लेकिन हमारा जो कैडर यहाँ का है, हमारी पार्टी है, वो अगर उनके निर्देश ऊपर से प्राप्त हुआ पार्टी हाईकमान से, तो डेफिनेटली हम तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा मेरा मानना है कि पार्टी चाहे कैंडिडेट लोग किसको बनाए, कौन पार्टी किसको बनाती है, लेकिन एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति का मेयर जैसे पद पर बनना जरूरी है। पीछे अनुभव हम देख चुके हैं पिछले 5 सालों में, अनुभवहीन या जिनको ज़्यादा अपने चक्कर में रहे पॉलिटिक्स में करते रहे वो शहर का ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। मेरी ये सोच है कि अच्छा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जिसने पहले भी विकास शहर में किया हो, जिसको नॉलेज हो सारी चीज़ों का, अगर वो मेयर बने तो ज़्यादा शहर को आगे ले जाएगा। तो आज ये चर्चा जो है हम यहीं पे इसका समापन करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पंचकुला एक सिंह द्वार है हरियाणा की राजनीति के लिए, क्योंकि विधानसभा की ओर रास्ता जाता है, तो ये जो नगर निगम का चुनाव होगा इसका जो परिणाम होगा ये एक तरह से हरियाणा की जो आने वाली राजनीति है उसका एक दिशा सूचक होगा, एक संकेत होगा। तो यह तो अभी जो है आने वाले भविष्य के गर्भ में है, तो आने वाले समय ही बताएगा कि निगम और इसकी राजनीति क्या कर उठ लेती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।